बच्चों, कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी तो कर ही रहे होंगे ना, क्योंकि अब आपके घर पर ही हम विद्यालय लेकर आ गए हैं, है ना। अब तो काफी टाइम हो चला है, आपको पता भी होगा क्या क्या करना होता है। आपको अपना कॉपी और कलम लेकर बैठना होता है, पाठ पढ़ लेने के बाद घर पर ही अपने किताब से उसी पाठ को फिर से पढ़ना होता है, जो भी प्रश्न दिए गए हैं आपकी किताब में उनका अभ्यास करना होता है। आप सभी इन कामों को कर रहे हैं ना, तो आइए देखते हैं कि आज के एपिसोड में हम क्या क्या पढ़ेंगे। पिछले दो दिनों से जैसा कि हम एक नए शो को आपके सामने लेकर के आए हैं, जो कि है युवा उद्यम कौशल शो, उसी का आगे का एपिसोड हम आज देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या करेंगे, इसमें फिर से हमारे पास हैं काव्यल सेदानी और केतन सिंह, और सवालों के सिलसिले भी हैं। ये तो आपको बड़ा मजा आता होगा, है ना। आप सभी सवालों को नोट भी करते होंगे और अपने सही उत्तर को स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे भेजते भी होंगे, और यस ऐप तो आपने डाउनलोड कर ही लिया होगा। तो सवालों के सिलसिले के बाद कक्षा 9 के विज्ञान के पाठ गति के साथ, और उसके बाद हम सामाजिक विज्ञान के इतिहास के फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। हाँ मम्मी, नहीं लिस्ट आपने भेज दी ना, पूरा लिस्ट मिल गया है। नहीं, शूट चालू हो गया। हाँ, शूट चालू हो गया। ओके, बाय। अरे यार, छोटा था ना, अच्छा था। नन्ही सी जान कितना काम करे। नहीं हाँ, सही है। अब अपने आप को जरा इंट्रोड्यूस भी कर दो। जी नमस्कार, मैं हूँ केतन सिंह और आपका स्वागत है द युवा उद्यम कौशल शो में। और मैं हूँ काव्यल सेदानी। तो अब नन्ही सी जान, क्या क्या काम करे से तुमको क्या याद आया? मुझे ये याद आया कि तुम जो बोल रहे थे ना, एक्चुअली सही बोल रहे थे। बचपन कितना खूबसूरत था ना यार, ना कोई काम ना टेंशन, सब काम कर रहे थे हम, चिल कर रहे थे, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन जब से हम जवान हुए ना, ये बैड लक ही खराब हो गया। सही कह रही हो, यंग लोगों ने बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। पहले 12वीं में अच्छे मार्क्स लेके आओ, स्कूल से जॉब तक का सफर तय करो, फिर जॉब को सस्टेन करो, एंड सो ऑन। एस्टिमेट तो ये है कि इस टाइम 100 मिलियन से ज्यादा यंगस्टर्स जॉब की तलाश में हैं। 100 मिलियन बहुत बड़ा फिगर है। मैं बिल्कुल भी नेगेटिव साउंड नहीं करना चाहता, बट सच्चाई यही है कि जॉब हंटिंग बहुत ही टायरिंग प्रोसेस है। इसीलिए मैं तो 100% एंटरप्रेन्योर बनने के फेवर में। आप एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, ऐसी प्रॉब्लम जो आपके और आपके साथ साथ और लोगों के लिए एग्जिस्ट करती हो, और अगर आप उसको सॉल्व कर सके तो बस आप बन चुके हो एंटरप्रेन्योर। यही वजह है कि हमने राज्य भर के कई युवाओं को उन कौशलों के बारे में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जो वे सीखना चाहते हैं, ताकि वे समस्या का समाधान कर सके। चलिए उनसे मिलते हैं। हेलो DIY यूथ स्किल्स, मेरा नाम निकिता कुमारी है, मैं क्लास 10 की स्टूडेंट हूँ और मैं किशनगंज से हूँ। मैं यह जानना चाहती हूँ कि हमें जैविक खाद से जुड़ी प्रशिक्षण की जानकारी कहाँ से मिलेगी? क्या हम क्लास 12 के बाद बायोगैस का इंटर्नशिप प्राप्त कर सकते हैं, और इसको पूरा करने के लिए हमें कितना समय लगेगा? धन्यवाद। इन सभी सवालों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के प्रश्न हमें उत्साहित करते हैं और चुनौती भी देते हैं। मगर ये हमें क्यों चैलेंज करते हैं? आपके सवाल एक्चुअली सुनने के बाद मुझे अपना शोध करना पड़ता है, ताकि मैं आपकी बेस्ट तरीके से सहायता कर सकूं और आपके सवालों के सही सही उत्तर दे सकूं। तो नित्या, जैविक खाद से जुड़े प्रशिक्षण के लिए आप अपने करीबी कृषि विज्ञान केंद्र यानी KVK में जाके पूरे डिटेल्स ले सकती हैं। और नित्या जी, आप बिल्कुल 12वीं के बाद इंटर्नशिप जरूर कर सकती हो, लेकिन आपको खुद इंटर्नशिप ढूंढनी होगी। इंटर्नशिप आपके पास घोड़ी की तरह दौड़ती हुई नहीं आएगी। एक्चुअली हर लड़की 12वीं के बाद इंटर्नशिप ढूंढ सकती है,
और अगर आपको इंटर्नशिप नहीं मिल पाती है तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क करें जो आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप हमें बताएं कि आपको कौन से सेक्टर में इंटर्नशिप लेनी है और हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। हेलो डीआई सर, मैं तौसीफ आलम हूँ, मैं क्लास 9 में पढ़ता हूँ और मैं किशनगंज का रहने वाला हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारे पर्यावरण का प्रदूषित होने से बचाने के लिए सबसे बेहतरीन उपाय क्या है, हमें इसके बारे में जरूर पता है। हमें बायोगैस के बारे में सबसे अधिक जानकारी कहाँ से मिलेगी, क्या इसके लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर है? पृथ्वी को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा को गले लगाना है। मैंने ये पहले भी बहुत बार कहा है, दैट्स द बेस्ट वे। और प्लास्टिक का इस्तेमाल करना प्लीज बंद करो, नो मोर प्लास्टिक, बस बहुत हो गया अब, प्रॉमिस मी, नो मोर प्लास्टिक। और बायोगैस प्रशिक्षण के बारे में जानने के लिए आप बायोगैस डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर यानी BTDC को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो करना चाहो तो ऑल द बेस्ट। सो बैक टू हमारा डिस्कशन, हम कह रहे थे कि एक या एक से ज्यादा प्रॉब्लम ढूंढो और फिर अपनी डिजाइन थिंकिंग स्किल्स को यूज करके एक डीप रिसर्च करो कि आखिर ये प्रॉब्लम है क्यों। जो लोग ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उनसे बात करो और उस प्रॉब्लम के सारे पहलुओं को जानो, और जब ये सारा डेटा इकट्ठा हो जाए तो ऑन ग्राउंड इसके तथ्यों और वास्तविकता को क्रॉस चेक करो। हमेशा याद रखना, प्रॉब्लम सॉल्व करना जरूरी है, पर उससे ज्यादा जरूरी है कि लोग उस सॉल्यूशन का इस्तेमाल भी करें। जैसे स्कूल्स में गर्ल्स के लिए टॉयलेट बनाना जरूरी है, पर साथ ही साथ आपको ये भी सुनिश्चित करना होगा कि लड़कियां वो टॉयलेट यूज भी करें। इसका मतलब साफ है कि आपको 360 डिग्री रिसर्च करनी पड़ेगी, हर तरफ से श्योर होना पड़ेगा, सही और गलत दोनों एस्पेक्ट्स को बैलेंस करना पड़ेगा, दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे। इसका मतलब आपको अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, इंटर्नशिप, स्किल्स सबका इस्तेमाल करके एक सॉलिड प्लान बनाना होगा, क्योंकि एक बार जब आपने इस प्लान पर काम करना चालू कर दिया तो आप सिर्फ अपने आप को रोजगार नहीं दे रहे भाई साहब, आप बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए नौकरियों के अवसर पैदा कर रहे होंगे। पर कमाल की बात ये है कि ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स अपना घर छोड़कर अपना काम किसी और जगह या शहर में शुरू करते हैं, क्योंकि सबको ये लगता है कि आपको अपने जानने वाले लोगों से ज्यादा ना जानने वाले लोग ही सपोर्ट करते हैं। या फिर ये कह लो कि हमें लगता है कि हमारे अपने लोग हमारी स्ट्रगल को या हमारे आइडिया को जज करते हैं, पर अगर आप घर पर रहकर या अपने घर के आसपास ही कोई काम शुरू करते हैं तो आप किराया, खाना पीना, ट्रैवल पर काफी पैसा बचा भी सकते हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप वो तो नाम ही चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है। पर क्योंकि मैं आज शुरुआत से ही नेगेटिव साइड भी हाईलाइट करता हुआ चल रहा हूं और शायद लोग मुझे आज नेगेटिव एंकर भी कह सकते हैं, हूं नहीं बट, आज युवाओं के पास शायद 12वीं में अच्छे मार्क्स लाने की प्रॉब्लम है, साथ ही साथ जॉब्स की प्रॉब्लम है, या फिर शायद जॉब के लिए सही एक्सपीरियंस ना होने की प्रॉब्लम है। हालांकि मुझको लगता है कि जो एक्सपीरियंस वाली प्रॉब्लम है ना, ये हमने अपने ये DIY वाले शो से काफ़ी मतलब उसको कंट्रोल कर दिया है, उसको दूर कर दिया है, लेकिन एक बहुत ही बड़ा हाथी और है जिसको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, द एलिफेंट इन द रूम। एक्चुअली मेरा नाम काव्यल हाथी सेदानी है, तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो क्या? नहीं नहीं, द एलिफेंट इन द रूम, क्योंकि पतला तो मैं हूँ ना। तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? नहीं नहीं, एक्चुअल हाथी जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ। ओके, एनीवे यू आर राइट। हम लोग हर चीज को एक बॉक्स की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे स्कूल के लेसन्स एक बॉक्स है, जॉब्स के सेक्टर एक बॉक्स है, एंड सो ऑन। सो हम काफी लिमिटेड सोच पाते हैं। एक्चुअली हमारा दिमाग का साइज ना छोटू सा है, और हम एलिफेंट की तरह स्मार्ट भी कहाँ है। सही बात है, हाथी काफी स्मार्ट होते हैं, पर आखिर ये एलिफेंट है कौन? ये एलिफेंट है क्लाइमेट चेंज। ये स्कूल से काम पर जाने से पहले भी था और ये बाद में भी रहेगा। क्लाइमेट चेंज हर तरफ है और कहीं ना कहीं हमारे प्लान्स में दरार भी डाल रहा है। पहले हम कितनी आसानी से वेदर प्रेडिक्ट कर लेते थे, हम जानते थे कि अभी मॉनसून आने वाला है, इस बार कितनी बारिश होगी। पहले कभी साल के कुछ महीने इतने ज्यादा गर्म नहीं होते थे, इतनी जगह बाढ़ नहीं आया करती थी। पहले समुंदरों में कितनी ज्यादा मछलियां हुआ करती थी, माउंट एवरेस्ट पर ज्यादा बर्फ हुआ करती थी। पर अब तुम हल्का हल्का सैड साउंड करने लगी,
पर मैं तुमसे सहमत भी हूँ इस बात पे। मुझे लगता है कि इसका मेन कारण है फॉसिल फ्यूल्स, जैसे बिजली के लिए कोल यानी कोयले का जलाना, गाड़ियों के लिए पेट्रोल और डीजल का यूज करना, खेती में नॉन ऑर्गेनिक बीज और खाद का यूज, जो कि कहीं ना कहीं मछलियों और मधुमक्खियों की लाइफ साइकिल को प्रभावित भी करता है। जैसे कि हमने हमारे पहले एपिसोड में बताया था कि मधुमक्खियाँ कितनी इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं हमारी लाइफ में। ऑलमोस्ट हर चीज जो हम खाते हैं उसका ताल्लुक मधुमक्खियों से है, क्योंकि वही पॉलिनेशन यानी परागण में सहायक होती हैं। पर बड़ी समस्या ये है कि यही मधुमक्खियाँ इस वक्त खतरे में हैं। इसका मतलब हम लोगों पर भी क्लाइमेट क्राइसिस का खतरा है? कोई शक, बिल्कुल। पर एक गुड न्यूज भी है, हम लोग चाहें तो इस खतरे को टाल सकते हैं अगर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से फार्मिंग करें और मधुमक्खी के बॉक्सों को यूज कर लें, यानी हम मधुमक्खी पालक बन सकते हैं, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हमें प्लास्टिक का यूज कम से कम करना है, अपनी अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल करने की जगह हम नेचुरल गैस या सोलर से चलने वाली पब्लिक व्हीकल्स का यूज कर सकते हैं। अगर हम घर पर ही सूखा और गीला कचरा अलग करें और सब्जियों के बचे हुए कूड़े से घर पर ही कॉम्पोस्ट बना लें, तो ये कूड़ा लैंडफिल में नहीं जाएगा। हमको अपनी डेली लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस लाने होंगे, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो है युवाओं का। किसी भी बिजनेस को शुरू करते वक्त उन्हें ध्यान में रखना होगा कि क्लाइमेट चेंज को उलटने के लिए वो जरूरी स्टेप्स उठाएं, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो आने वाले टाइम पर नदियां अपने रास्ते बदल लेंगी और ये हम सब के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। यही तो दिक्कत है कि जो चीज दिखती नहीं है हमें लगता है होती ही नहीं है, पर एंटरप्रेन्योर्स की खासियत यही है कि वो प्रॉब्लम्स को ढूंढ कर उनका सलूशन निकालते हैं। और अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और आपको भी किसी प्रॉब्लम का सलूशन निकालना है, तो क्लाइमेट चेंज से अच्छा कुछ नहीं हो सकता, जैसे इन उद्यमियों ने यही डिसाइड कर लिया है। देखिए, स्थान को करने के लिए आपको कौन कौन सा कौशल का जरूरत होता है? कौशल है क्या, मोटा मोटी देखिए, हम लोग पहले मोटा नर्सरी धीरे धीरे प्लांट को बढ़ाए, प्लांट बढ़ाने के बाद उससे क्या हुआ कि ग्रेफ्टिंग हुआ, कलम हुआ, जो भी सामान तैयार करने के बाद उसके बाद हम सामान को तैयार करने के बाद उसको बाजार में। इस काम को करने के लिए कौन कौन सा दिन चाहिए? जरूरी जरूरी क्या, कुछ नहीं है, अपना दिमाग, सिर्फ दिमाग को अपना चेंज करना है। अगर कोई आपसे ये काम बच्चे लोग सीखना चाहें, स्कूल के बच्चे, तो वो कैसे सीख सकते? सिखा कितने दिन लगेगा उनको? मोटा मोटी 2-3 महीने। उनको ये काम सीखने के लिए किस चीज की जरूरत है? कटरे को जरूरत पड़ेगा, कटर का, जैसे पेड़ पौधा वहाँ लगना चाहिए, समय की जरूरत पड़ेगा, जो कौन सीजन में कौन पौधा लगता है, मेहनत करने की जरूरत, पानी टाइम से देना है। आपको ये व्यवसाय करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ये पहले तो हम ये थोड़ा पहले से भी समझिए कि पेड़ पौधे के प्रति मेरा स्नेह था यानी प्रेम था, जो इसमें आने के बाद हमको और धीरे 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 और इसमें मन लगने लगा ना, विस्तार होता गया। और थोड़ा धंधा से अभी वो पता ही नहीं चलता कि किस समय सुबह गुजर गया, किस समय शाम गुजर गया। आपको पेड़ से बहुत पहले, बहुत 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 पहले, बहुत, बहुत पहले से इससे, और ऊपर वाले में इसी में हमको मन को जो है रम गया। आप ये पौधे खुद बनाते या फिर कहीं से लाके बेचते हैं? खुद बनाते भी हैं, और सारा नस्ल यहाँ नहीं बनाते हैं, बहुत सारे नस्ल ऐसे हैं जो हम लोग को कहीं कहीं से नर्सरी से लाना पड़ता है होलसेल में खरीद के। हम लोग तो आम की पहचान करते हैं, ये पहचान एक का मेन इसका पत्ता जो है, पत्ता से पकड़ सकते हैं कि ये बम्बई है, ये सिकिया है, ये सुकुल है, ये कलकतिया हो गया। पौधे आप खुद कैसे बनाते हैं? हम लोग ये इसका आंखी जो होता है, आम खा करके जो गुठली लोग फेंक देते हैं, तो गुठली को एक खेत में लगा करके उसको गाड़ दिया जाता है, गाड़ के उसको नर्सरी लगाया जाता है। हम लोग 2017 में रजिस्टर किए थे बिहार गवर्नमेंट की तरफ से, बिहार स्टार्टअप आई थी उसी में रजिस्टर किए थे, इतना कुछ खास इनोवेशन नहीं था पर नॉलेज था, तो हम लोग उसको बिहार स्टार्टअप के थ्रू हम लोग उसको मतलब रजिस्टर किए, तो वहाँ से हमें सर फंड मिले और उससे फिर हम लोग बढ़ाए इस काम को आगे। तो ये बीज कहाँ से लाते हैं सर आप? देखिए मतलब? कुछ प्लांट्स हम लोग जगह जगह हर प्लांट हर जगह से मंगाते हैं, सारा प्लांट हमारे बिहार में नहीं आते हैं,
जैसे कि आपको 100 स्टूडेंट प्लांट वहाँ दिखाए थे भैया, वो प्लांट यहाँ से नहीं आते हैं, वो प्लांट आते हैं सिलीगुड़ी से। सिलीगुड़ी से लाते हैं, उसको हम लोग कलेक्शन करते हैं और यहाँ रखते हैं। फिर कुछ प्लांट होते हैं जो नॉर्मल मार्केट में मिल जाते हैं, आयुर्वेदिक प्लांट हो गए ये सब, तो हम हाजीपुर से ले लेते हैं। कुछ प्लांट हम मुजफ्फरपुर से मंगाते हैं और बाकी टिश्यू कल्चर का जो प्लांट है पुणे से मंगाते हैं। सर, इसमें खाद कौन सा डालते होंगे? जिस तरह का प्लांट होते हैं उस तरह खाद डालते हैं। यदि फल देने वाला प्लांट है जैसे नींबू आम लीची ये सब हो गया, तो उसमें डालते हैं जीवामृत प्लांट डालते हैं। ऑर्गेनिक करना है तब, इनऑर्गेनिक करना है तो DAP यूरिया भी हम डालते हैं। ये पनसटिया प्लांट है, इसमें क्या क्या होता है कि ये इसका पत्ता ऐसा कलर चेंज कर देता है अपने आप खुद, ये सालों मास ये रहता है प्लांट। सर, इसमें कौन सा खाद डालते होंगे आप? इसमें अभी यूरिया डालते हैं, यूरिया तो बहुत कम, यूरिया ना के बराबर, मतलब दो ही चार दाना, उससे ज़्यादा नहीं। वर्मी ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग, तो वर्मी उसको प्लांट मरने नहीं देता है। तो वर्मी आप बनाते कैसे, मतलब खरीदते हैं या खुद से? हम लोग बनाते भी हैं खरीदते भी हैं, नॉर्मल अपने के लिए थोड़ा बहुत बना लेते हैं, बाकी ज़्यादा किसी के लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है फार्मिंग के लिए तो हम लोग खरीदते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है हम सब के लिए। जैसा कि आपने देखा, वो सीमित साधनों से विवश नहीं जिनके द्वारा वो अपने जीवन जीते हैं, वो सिर्फ हमारे पृथ्वी के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये बहुत इंस्पायर करते हैं हम सब। बिल्कुल सही। और कितने सारे ऐसे सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस हैं जिनसे आप इंस्पायर हो सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, जैसे स्वच्छ ऊर्जा का ऑप्शन, या फिर वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमास या बायोगैस प्लांट्स, या फिर आप कुछ ऐसा बना सकते हैं जो कि प्लास्टिक का सब्स्टिट्यूट यानी विकल्प हो। Oh my God, अगर हमको प्लास्टिक का इको फ्रेंडली सक्सेसफुल सब्स्टिट्यूट मिल गया ना, तो ये हमारे एनवायरमेंट के लिए बेहतरीन होगा। Correct. आप इनमें से कुछ भी कर सकते हैं जो हमें क्लाइमेट चेंज को रिवर्स करने में मदद करे। Exactly. आप चाहो तो आप एक ऑर्गेनिक नर्सरी भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसा हमारे इस यंग हीरो ने किया, जिनकी कहानी हम आपको हमारे अगले ग्राफिक नॉवल द बटरफ्लाई इफेक्ट में दिखाने वाले हैं। हमारे हीरो ने एक ऑर्गेनिक नर्सरी स्टार्ट करके फार्मर्स की मदद तो की ही, साथ ही साथ युवाओं के लिए जॉब्स भी क्रिएट किए। और सबसे अच्छी बात तो ये कि जो बीज यानी मधुमक्खियां और बटरफ्लाईज दूर चली गई थी वो भी वापस आने लगी। तो चलिए देखते हैं ये कहानी। कभी कभी किसी बड़े बदलाव के लिए एक छोटी पहल ही काफी होती है, ठीक वैसी ही जैसी इस कहानी की नायिका ने की। ये तितलियां कहां चली गई है? माँ को भी महीने में तीसरी बार दमे का अटैक आया है, सब गलत हो रहा है। ओ, तो माँ के दमे का कारण एयर पोल्यूशन है। हो सकता है तितलियों के वापस आने से माँ का दमा ठीक हो जाए, इस पर रिसर्च करनी होगी। आइडिया, माँ और तितलियों के लिए ऑर्गेनिक गार्डन। तुम्हारे बगीचे की सब्जियों के स्वाद से मेरे होटल के ग्राहक बढ़ गए, बहुत खूब लड़कियों। हमारा अंदाजा सही था, तितलियां वापस आ गई और माँ भी स्वस्थ हो गई। अब हम बनाएंगे एक इको क्लब और इससे आए हुए पैसों से सीड बॉल्स खरीदेंगे और सब जगह डालेंगे। हमारी मेहनत ने पूरे गांव को हरा भरा कर दिया। अब कचरे की सफाई के लिए अगला मिशन है बायोगैस प्लांट। इसके लिए फंड हम अपने बीज बैंक के बिजनेस से जुटाएंगे, लेकिन कुछ दिन बाद। मैं चाहती हूँ कि आप ये काम पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए कीजिए। ये रहा कॉन्ट्रैक्ट। उस दिन के बाद इस हरे भरे शहर का नाम ही तितलीपुर पड़ गया। वाह, मतलब दिल से निकला है वाह, इतनी ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी थी। बिल्कुल। नाउ, जैसा कि आपने देखा कि अपने घर की प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते इन्होंने इतना बड़ा बिजनेस सेटअप कर लिया, जिससे एनवायरनमेंट को कितनी मदद हुई। यही तो खूबसूरती है एंटरप्रेन्योरशिप की। हम काम शुरू करते हैं सिर्फ कुछ लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और देखते ही देखते उससे लाखों करोड़ों लोगों की मदद होने लगती है। मैं हमारे इन हीरोज को दिल से सैल्यूट करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये ऐसा ही अच्छा काम बस करते ही जाएं। बिल्कुल सही कहा। और अब हमने आज का ग्राफिक नॉवल देखा और हमने क्लाइमेट चेंज के बारे में इतनी बात भी की,
लेकिन अब वक्त हो गया है हमारे सवालों के सिलसिले का। तो पहला सवाल, क्या उद्यमी बनने की कोशिश करने के लिए घर छोड़कर जाना बेहतर है या आप जहां रहते हो वहीं पर कुछ शुरू करने का प्रयास करें? अगला सवाल, क्या भारत में युवाओं के लिए पर्याप्त नौकरियां हैं? क्या भारत में युवाओं के लिए पर्याप्त नौकरियां हैं? नौकरी के करने के बजाय आप ऐसा क्या काम कर सकते हैं जिससे समस्याएं भी सुलझे और रोजगार के लिए नए अवसर भी पैदा हो? The Elephant in the Room क्या है? एक कहानी या कोई शो? The Elephant in the Room क्या है? एक कहानी या कोई शो? Climate change क्या है? Climate change क्या है? जलवायु परिवर्तन का आपके स्कूल, काम या उद्यम पर कैसा असर पड़ता है? नर्सरी किसे कहते हैं? नर्सरी किसे कहते हैं? और फाइनली आखिरी सवाल, ऑर्गेनिक नर्सरी किसे कहते हैं? ऑर्गेनिक नर्सरी किसे कहते हैं? आप अपना जवाब हमें इस नंबर पर जरूर भेजें या यस ऐप अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करके भी आप हमें जवाब भेज सकते हैं। पहले 500 सही जवाब देने वाले विद्यार्थी जीत सकते हैं आज का रोमांचक ग्राफिक नॉवल। तो जल्द भेजिए अपने जवाब। अच्छा एक बात और मैंने बात पहले भी कही और अब बार बार कहूंगा कि अगर आपके पास भी कोई एंटरप्राइज आइडिया है जो लोगों की या हमारे एनवायरनमेंट की मदद कर सकता है तो प्लीज उसे अपने तक मत रखें। हमें बताएं, अपने आइडिया को समझाते हुए एक छोटा सा 1 मिनट का वीडियो बनाएं और हमारे स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी मदद पूरी तरह से जरूर कर सकें। अपना नाम और कॉन्टैक्ट देना ना भूलें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि वो कहते हैं ना, अभी नहीं तो कभी नहीं। दोस्तों यही मौका है आपके लिए, फोन उठाओ, वीडियो बनाओ और भेज दो। हमें इंतजार रहेगा, आपसे फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा शो और सोचते रहिए कौन सा नया आइडिया आपके दिमाग में उफांग मार रहा है। हमारे साथ शेयर कीजिए, जरूर कीजिए। अब इजाजत दीजिए, मैं हूँ केतन सिंह और मैं हूँ काव्या सिदानी। आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हम आपको फिर मिलेंगे। एक्सक्यूज मी सर, मुझे एक बैंक अकाउंट खोलना है। हाँ खोल देंगे, बताइए। बिल्कुल खोल देंगे। कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा अभी फॉर्म भर देखे हैं। हाँ जी, मैं डॉक्यूमेंट्स लाई हूँ, आपको क्या क्या चाहिए? आपकी हाइट क्या होगी? हाइट? हाँ हाइट बताइए। 5'3" खाना वाना बना लेती हैं? सर मुझे बैंक अकाउंट खोलना है, शादी नहीं करनी है। नहीं वही वही कर रहे हैं, बैंक अकाउंट। रात को सोते टाइम खर्राटे तो नहीं लेते? ये सब आप क्या सवाल? डकार कैसे टाइप किया थी आपको ऐसे? या फिर ऐसे ऐसे बड़ी से क्या आती है? देखिए बैंक अकाउंट खोलना है तो ये सब तो बताना पड़ेगा। जी नहीं, बैंक अकाउंट खोलने के लिए इन सारी डिटेल्स की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट बैंक खोलने के लिए भी इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है। किन चीजों की जरूरत है, नहीं है, कितनी है, कितनी नहीं है, ये जानेंगे हम कहां पर? हमारे शो पर, जिसका नाम है युवा उद्यम कौशल शो। मेरा नाम है केतन सिंह और मैं काव्या सिदानी, जल्द ही मिलेंगे। वो डकार के बारे में तो बताओ, कैसे चलती है? या ऐसे हेलो इंडिया, नमस्कार। पेरेंट्स के लिए बच्चों को अवार्ड्स मिलने की खुशी सबसे अधिक होती है और अगर ये अवार्ड्स ऐसे आइडिया इनोवेशन के लिए मिले जो दूसरों की जिंदगी को आसान बना दे तो ये और भी बढ़ जाती है। देश भर के हजारों बच्चे विज्ञान पर आधारित अपने आइडिया इनोवेशन के लिए पहचान और सम्मान पा रहे हैं और नए भारत के निर्माण का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी 6ठी से 10वीं कक्षा में पढ़ रहे अपने बच्चों को DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। अधिक जानकारी के लिए गूगल करें इंस्पायर अवार्ड्स मानक। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है गति। आज हम इसका 4था भाग करेंगे।
तो चलिए देखते हैं कि इस भाग में हम क्या जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे गतित समीकरण की। तो ये गतित समीकरण क्या है? ये जो तीन फॉर्मूले हैं, v बराबर में u प्लस ए टी, एस बराबर में यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर और 2as बराबर में v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर, इन्हीं को कहा जाता है गतिज समीकरण। आज हम जानेंगे कि ये गतिज समीकरण आखिर आए कहाँ से हैं। अब इन्हें पता करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो है जहाँ पर हम इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हैं और दूसरा है जहाँ पर हम ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। आपकी जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें सिर्फ ग्राफ वाला बताया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो इक्वेशन वाला है, ग्राफ वाले में कहीं ना कहीं हम उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे कि आखिर किसी समीकरण से इन समीकरणों को कैसे निकाला जा सकता है। तो चलिए इन सब को समझने से पहले एक बार ध्यान दे लेते हैं कि आखिर वी यू एस इन सब का मतलब क्या है। तो अगर कोई कार आगे की तरफ जा रही है और पहले उसका वेग u हो और बाद में उसका वेग v हो जाए, तो यहाँ पर कुछ त्वरण लगा होगा जिसे a कहा जाएगा। इसमें जो टाइम लगेगा उसे कहा जाएगा t और ये जो दूरी तय करेगा उसे कहा जाएगा s। अब आपको ये बात पता है, परंतु जो टीचर है जो आपका पेपर चेक करेगा उसे तो ये बात किसी ने बताई नहीं, तो उसे तो नहीं पता ही। तो अगर आप उसे बताएंगे नहीं कि U का मतलब क्या है, A का मतलब क्या है, तो उसे कुछ भी समझ नहीं आएगा और वो क्या करेगा, काट देगा और आपको नंबर नहीं देगा। तो इसलिए आपको किसी भी समीकरण को निकालने से पहले सबसे पहले ये बताना है कि आप किस सिंबल का मतलब क्या लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले बताएंगे कि U का मतलब है वस्तु की प्रारंभिक गति, V का मतलब है वस्तु की अंतिम गति, A का मतलब है वस्तु का त्वरण, S का मतलब है वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और T का मतलब है वस्तु द्वारा लिया गया समय। तो आपको जब भी समीकरण को सॉल्व करेंगे इन सिंबल का मतलब वहां पर पहले लिख देना है और इसके बाद आप समीकरण को शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहला समीकरण निकालते हैं। तो सवाल यही है कि इन समीकरण को निकाला कैसे जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इन्हें कैसे निकालना है। तो शुरुआत करते हैं त्वरण की परिभाषा से। तो त्वरण की परिभाषा क्या थी? त्वरण का मतलब था अंतिम वेग माइनस में प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाय समय। तो ये हमारे त्वरण की परिभाषा थी। अब इसी का इस्तेमाल करके हमें गतित समीकरण का पहला समीकरण मिलेगा। तो आखिर वो कैसे निकालना है? ज्यादा कुछ नहीं करना, ये जो टी यहाँ पर लिखा है आपको इसे ए की तरफ ले जाना है। अब यहाँ पर t क्या हो रहा है? यहाँ पर वो भाग हो रहा है, तो a की तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो a के साथ गुना हो जाएगा और समीकरण कुछ कैसा बन जाएगा, at बराबर में v माइनस में u। अब आपको क्या करना है, ये जो u लिखा है इस तरफ इसे भी at की तरफ ले जाइए, तो इधर u माइनस में है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, हमारा समीकरण बनेगा at प्लस में u इक्वल में v, या फिर ये कह लीजिए u प्लस at इक्वल में v। अब v लिखा है दाईं तरफ और बाकी सारी चीजें लिखी हैं बाईं तरफ, इसे अगर हम उल्टा कर दे तो कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, तो चलिए कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, v बराबर में u प्लस at, यही तो हमारा पहला समीकरण था, बस इतना सा डेरिवेशन, तो बहुत ईजी है। तो ये हमारा पहला समीकरण निकल भी गया। अब इसके बाद हमें दो समीकरण और निकालने हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर उन्हें कैसे निकाला जाएगा। ये थोड़ा सा बोरिंग है, परंतु ध्यान दीजिए, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा उसके बाद फिर। तो पहला समीकरण हमारा निकला था त्वरण की परिभाषा से, अगले दो समीकरण निकलेंगे गति की परिभाषा से। तो गति की परिभाषा क्या कहती है, गति बराबर में दूरी अपॉन में समय, यानी कि वी बराबर में एस अपॉन में टी। अब यहाँ पर कितनी गति है, ध्यान दीजिए, एक हमारी गति है प्रारंभिक गति और एक है अंतिम गति, तो एक है u और एक है v। अब यहाँ पर कौन सी गति लें, दोनों में से कोई एक उठा लें या फिर दोनों उठा लें? अब दोनों नहीं ले सकते, एक भी नहीं ले सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे औसत गति। औसत गति कैसे निकल जाएगी, दोनों को जोड़ देते हैं और डिवाइड कर देते हैं टू से, औसत निकल जाएगा। तो v की जगह हमने लिख दिया u प्लस में v अपॉन में टू बराबर में s और t, वैसे ही रह जाएंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो t है इसे ले आइए दूसरी तरफ,
तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, u प्लस v अपॉन में 2 पहले से था और ये जो t डिवाइड हो रहा था s की तरफ यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर आपके पास ये समीकरण कैसे आया समझ में आ गया है तो समीकरण बाकी के दो निकालना बहुत ईजी है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है, एक बार v की वैल्यू डालनी है तो उससे हमें एक समीकरण मिल जाएगा और दूसरी बार ये जो t दिख रहा है आपको यहाँ पर उसकी वैल्यू डालनी है और उससे हमें दूसरा समीकरण मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ तक का स्टेप याद रखते हैं और आपको यहाँ तक का स्टेप समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं कि इसके आगे दोनों समीकरण इससे कैसे निकालना है। तो इसको लिखते हैं थोड़ा ऊपर और अब देखते हैं कि v की वैल्यू क्या होगी। तो हम जानते हैं a बराबर होता है v माइनस यू अपॉन में t। अगर हम t को एक तरफ ले जाएं और उसके बाद u को भी दूसरी तरफ ले जाएं तो हमें यहाँ से v का पता चल जाएगा, v क्या आ जाएगा u प्लस में at। कुछ नहीं करना, बस इस v की वैल्यू को यहाँ पर डाल देना है। तो ये क्या हो जाएगा, s ब्रैकेट में u का u रहेगा प्लस में जो v था उसकी जगह आ जाएगा u प्लस में at। डिवाइड का 2 वैसा ही रहेगा और जो t मल्टीप्लाई हो रहा था वो भी वैसा ही रहेगा। अब यहाँ पर जो अंदर 2u हैं उनको हम जोड़ देंगे तो नया क्या बन जाएगा, s बराबर में 2u प्लस में at अपॉन में 2 और जो बाहर t मल्टीप्लाई हो रहा था वो वैसा ही रहेगा। इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो t बाहर मल्टीप्लाई हो रहा था उसे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, 2u के साथ जब t मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2ut और जब at के साथ t मल्टीप्लाई होगा तो क्योंकि यहाँ पर 2t हो जाएंगे तो हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 2। अब यहाँ पर जो ये दोनों वैल्यू एक ही अपॉन 2 है इसको दो अलग अलग दो के नीचे रख दीजिए। अब यहाँ पर कोई डिफरेंस तो इससे आएगा नहीं, पर हमें एक फायदा हो जाएगा कि इस वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा और अब हम इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं, s बराबर में ut प्लस में at स्क्वायर बाय 2। अब at स्क्वायर बाय 2 को लिखे अगर हम हाफ at स्क्वायर तो उसमें भी कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि हाफ at स्क्वायर और at स्क्वायर बाय 2 एक ही बात है और यही तो हमारा दूसरा इक्वेशन था। दूसरा इक्वेशन भी आ गया। अब चलिए जो ये फॉर्मूला था हमारा इससे हम तीसरा इक्वेशन निकालते हैं। v की वैल्यू हम डाल चुके हैं, अब किसकी वैल्यू डालनी है, t की। तो चलिए t की वैल्यू निकालते हैं। किस समीकरण से निकालेंगे, उसी एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण वाले समीकरण से। तो त्वरण का फॉर्मूला था v माइनस यू अपॉन में टी। टी को ले जाते हैं ए की जगह पे और ए को ले आते हैं टी की जगह पे। तो टी का क्या बन जाएगा, टी बराबर में वी माइनस यू अपॉन में ए। अब इसी को हम डाल देंगे टी की जगह पे तो क्या हो जाएगा, एस बराबर में यू प्लस वी अपॉन टू तो वैसा ही रहेगा, मल्टीप्लाई में टी की जो नई वैल्यू हमने निकाली है वो लिख देंगे वी माइनस यू अपॉन में ए। अब ये जो नीचे के टू और ए हैं इसे हम ले जाएंगे एस की तरफ तो ये क्या हो जाएगा, टू ए एस इक्वल में यू प्लस वी गुने में वी माइनस यू। अब ये जो u प्लस वी है अगर हम इसे v प्लस यू लिखें तो भी कोई ज़्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो चलिए लिख देते हैं। अब इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है जैसे a प्लस बी गुने में a माइनस बी लिखा हो। तो a प्लस बी गुने में a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी तरीके से v प्लस यू गुने में v माइनस यू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। लिख दीजिए, जैसे ही आप लिखेंगे आपको पता चलेगा कि हमारा तीसरा समीकरण भी आ गया, तीनों समीकरण हमने निकाल लिए। तो चलिए इसी खुशी में एक सवाल करते हैं। सवाल क्या है, विराम अवस्था में राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है, मतलब क्या हुआ कि प्रारंभिक गति कितनी है, जीरो, क्योंकि अभी अभी चलाना शुरू किया है और 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। उसके बाद क्या होता है, वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना करनी है। तो पहले हमें बताया गया है कि 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड की गति हो जाती है और फिर बताया हुआ है कि अगले 5 सेकंड में 6 मीटर से कम होकर 4 मीटर रह जाती है। तो दोनों ही केस में हमें त्वरण बताना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें पता क्या है। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर दो स्थितियाँ हैं, पहले जब विराम अवस्था से 6 मीटर की गति प्राप्त करी और दूसरा जब 6 मीटर से 4 मीटर की गति हो गई। तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहली स्थिति में क्या था, प्रारंभिक वेग था हमारा 0 क्योंकि अभी अभी साइकिल चलना शुरू हुई थी और हमारा अंतिम वेग क्या था, 6 मीटर पर सेकंड, समय लगा था 30 सेकंड का। यहाँ पर हमारा त्वरण का फॉर्मूला है वी माइनस यू अपॉन टी।
कुछ नहीं करना, बस वैल्यू डाल देनी है। वैल्यू डालेंगे 6 मीटर पर सेकेंड माइनस में 0 मीटर पर सेकेंड अपॉन में 30 सेकेंड। तो यहाँ पर हमारा वैल्यू आएगा 6/30, ऊपर है मीटर पर सेकेंड और नीचे है सेकेंड, तो टोटल यूनिट क्या बन जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा एक्सेलरेशन कितना आ गया, एक्सेलरेशन इंग्लिश में त्वरण को कहा जाता है, तो एक्सेलरेशन और त्वरण एक ही बात है, और हमारा त्वरण आ गया 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा पहले केस का त्वरण है जब गति बढ़ाई गई थी। अब देखते हैं दूसरे केस में क्या हुआ था, दूसरी अवस्था में प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा। इस बार प्रारंभिक वेग हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड और अंतिम वेग हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 6 मीटर से साइकिल पहले ही चल रही थी और बाद में ब्रेक लगा था तो 4 मीटर आ गई थी। टाइम लगा था 5 सेकेंड का, फिर से फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे, वैल्यू डालने पे हमें पता चलेगा कि आंसर आया -2/5। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस में 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस हमें बता रहा है कि गति कम हो रही है। तो इस वीडियो में हमने जाना गतिज समीकरण के बारे में। अब इसके बारे में आप अपनी एनसीईआरटी की किताब में पढ़ लीजिएगा और इस समीकरण से जितने भी सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे ग्राफ की, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आप जरूर पढ़ के आइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। डेली क्विज क्वेश्चन नंबर 1, यू किसे दर्शाता है। ऑप्शन ए वस्तु की प्रारंभिक गति, ऑप्शन बी वस्तु की अंतिम गति, ऑप्शन सी वस्तु का त्वरण, ऑप्शन डी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। क्वेश्चन नंबर 2, एक समान गति के लिए गति का सूत्र क्या है। ऑप्शन ए बी बराबर एस बटे में टी, ऑप्शन बी बी बराबर एस गुने में टी, ऑप्शन सी बी बराबर यू प्लस में ए टी, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, असमान गति के लिए गति का सूत्र क्या है। ऑप्शन ए बी बराबर में एस बटे में टी, ऑप्शन बी बी बराबर एस गुने में टी, ऑप्शन सी b बराबर u प्लस में ए टी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, s किसे दर्शाता है। ऑप्शन ए वस्तु की प्रारंभिक गति, ऑप्शन बी वस्तु की अंतिम गति, c वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, ऑप्शन डी वस्तु का त्वरण। क्वेश्चन नंबर 5, कोई वस्तु अगर 10 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करती है तो त्वरण कितना होगा। ऑप्शन ए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 1 ए, क्वेश्चन नंबर 2 ए, क्वेश्चन नंबर 3 सी, क्वेश्चन नंबर 4 सी, क्वेश्चन नंबर 5 बी। हेलो दोस्तों, ये है इतिहास का तीसरा पाठ। इस पाठ का नाम है फ्रांस की क्रांति। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति के घटनाक्रम की और आतंक का राज्य क्या था। तो चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। सन 1789 में लुई 16 को धन की आवश्यकता हुई। 175 सालों से जो स्टेट जनरल की बैठक नहीं हुई उसे बुलाने का निर्णय लिया गया। 5 मई सन 1789 में स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई। दोस्तों, इस बैठक में पहली और दूसरी एस्टेट से 300-300 लोग और तीसरी एस्टेट से 600 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बैठक में तृतीय एस्टेट के लोगों ने लोकतांत्रिक सिद्धांत को आधार बनाकर सभी प्रतिनिधियों के लिए मताधिकार मांगा, लेकिन राजा को यह प्रस्ताव अस्वीकृत था। राजा के इस प्रस्ताव को ठुकराने से तीसरी एस्टेट के लोगों में भारी गुस्सा था और इस चीज का विरोध करते हुए वे इस बैठक से बाहर निकल गए। इस घटना के बाद तीसरी एस्टेट के प्रतिनिधियों ने फैसला लिया कि वे एक सभा बिठाएंगे।
और 20 जून को वे अधिवेशन करने के लिए एकत्रित हुए, लेकिन जहां उन्हें एकत्रित होना था उस हॉल के बाहर शाही अंगरक्षकों का पहरा था। इसके कारण तीसरी एस्टेट के प्रतिनिधि टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए। उन्होंने यह फैसला लिया कि इस सभा को नेशनल असेंबली कहा जाएगा और शपथ भी ली कि जब तक एक ऐसा संविधान नहीं बनता जिसमें राजा की शक्तियों को कम करा जाए, यह सभा भंग नहीं होगी। और दोस्तों, इसी दौरान एक अफवाह उड़ी कि राजा ने कहा है कि इस सभा को भंग करा जाए और जितने भी वहां के प्रतिनिधि हैं उन्हें बंदी बना लिया जाए। इस अफवाह को सुनते ही लोग भारी संख्या में इकट्ठे हो गए। उन लोगों का नेतृत्व मिराबियो और ओबेसियो जैसे नेता कर रहे थे। दोस्तों, इसके बाद हुई फ्रांस की क्रांति की एक बहुत ही अहम घटना जिसे कहते हैं बास्टीन का पतन। 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने पेरिस में स्थित कार्यालय बास्टीन को घेर लिया। 4 घंटे डेरा डालने के बाद वे जेल का फाटक तोड़कर अंदर घुसे और वहां बंदियों को मुक्त करा दिया। दोस्तों, बास्टीन का पतन की घटना इसलिए अहम है क्योंकि बास्टीन को दुर्ग राजतंत्र के निरंकुश शासन का प्रतीक माना जाता है। बास्टीन पर आक्रमण कर तीसरी एस्टेट के लोगों ने राजतंत्र के प्रति अपना विरोध जताया। और दोस्तों, जानने वाली बात यह है कि फ्रांस में 14 जुलाई को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 जुलाई की इस घटना के बाद लुई 16 सिर्फ नाम का राजा रह गए और नेशनल असेंबली देश के लिए अधिनियम बनाने लगी। 27 अगस्त 1789 को मानव और नागरिकों के अधिकार को स्वीकार किया गया। दोस्तों, इसे हम अंग्रेजी में द डेक्लरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन कहते हैं। दोस्तों, इस संविधान के आने से ना ही केवल लुई 16 की छुट्टियाँ कम हुई बल्कि लोगों को धार्मिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी मिली, जिसका पहले के समय में फ्रांस में अभाव था। इस बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। इसी के साथ साथ प्रेस और भाषण की आज़ादी भी लोगों को मिली। दोस्तों, आपको पिछले वीडियो से याद होगा कि हमने लेटर द कैचेट के बारे में बात करा था, जिसके अनुसार राजा या उसका कोई भी आदमी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता था। इस संविधान के आने से लेटर्स द कैचेट का भी अंत हुआ और अब सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। समानता के विचार का पालन करते हुए यह निश्चय लिया गया कि सभी कर अब समान रूप से तीनों एस्टेट पर डाले जाएंगे, ना कि सिर्फ तीसरी एस्टेट पर। 1791 में नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप पूरी तरह से तैयार कर दिया, जिसने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को भी अपनाया गया। और दोस्तों, इसी तरह फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। लेकिन दोस्तों, तीसरी एस्टेट के नेता मिराबियो की मृत्यु के बाद पूरे देश में हिंसक विद्रोह की शुरुआत हो गई। सिर्फ फ्रांस ही नहीं, विदेशों से भी कुलीन वर्गों के द्वारा इस संविधान का विरोध किया गया। 1792 के अप्रैल में नेशनल असेंबली ने ऑस्ट्रिया, रशिया तथा सेवाए के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। दोस्तों, इस युद्ध के कारण क्रांतिकारियों को बहुत सी कठिनाइयां झेलनी पड़ी। इस दौरान नागरिकों को मताधिकार भी नहीं मिला था और नेशनल असेंबली का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। यह बातें आगे चलकर आलोचना का विषय बनी और इन आलोचकों में सबसे प्रमुख स्थान पर थे जेकोबिन क्लब के सदस्य। इस क्लब में छोटे दुकानदार, कारीगर, घड़ी साज, नौकरी और दिहाड़ी करने वाले मजदूर आदि शामिल थे।
इस क्लब को पहले कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम से भी जाना जाता था और इसके नेता थे मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर। दोस्तों यहाँ से अब हम जानना शुरू करेंगे कि आतंक का राज्य क्या था। जेकोबन क्लब के नेता मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर वामपंथी विचारधारा को मानते थे। दोस्तों वामपंथी उस पक्ष या विचारधारा को कहते हैं जो समाज को बदल कर उसमें अधिक आर्थिक बराबरी लाना चाहे। खाद्य पदार्थों की महंगाई और अभाव से नाराज होकर रॉब्सपियर ने हिंसक विद्रोह की शुरुआत करी और आतंक का राज्य स्थापित किया। इस समय को आतंक का राज्य क्यों कहा जाता है, ये इस बात से पता चलता है कि 14 महीनों में लगभग 17,000 व्यक्तियों पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन दोस्तों रॉब्सपियर जनतंत्र के भी समर्थक थे, इसके चलते 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को मतदान का अधिकार दिया। इसी के साथ साथ 21 सितंबर 1792 को नव निर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया और राजा की सत्ता को समाप्त किया गया। देशद्रोह के अपराध में लुई 16 को 1793 में फांसी दे दी गई। इसके बाद मैरी एंटोनेट का भी यही अंत हुआ। और दोस्तों इसी तरह 1793 के अक्टूबर में रॉब्सपियर द्वारा स्थापित आतंक का राज्य उत्कर्ष पर था। इस आतंक के राज्य के दौरान फ्रांस में कई बदलाव आए। चलिए देखते हैं ये बदलाव कौन से थे। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, एक नव निर्वाचित असेंबली को स्थापित करा गया जिसका नाम कन्वेंशन रखा गया। दोस्तों इस कन्वेंशन में फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। इसी के साथ साथ फ्रांस के कानून जिनमें एक रूपता नहीं थी उनका संकलन किया गया। उपनिवेशों में गुलाम बनाकर भेजने की प्रथा को भी समाप्त किया गया। दोस्तों पुत्र पुत्र को भी उत्तराधिकारी बनाने की प्रथा को भी इस काल में समाप्त किया गया। दोस्तों ये सारे बदलाव आतंक के राज्य में आए लेकिन ये सभी बदलाव अस्थायी स्थित हुए। रॉब्सपियर की हिंसात्मक कार्यवाही और उनकी हिंसात्मक प्रवृत्ति के चलते उन्हें 1794 में मृत्युदंड दिया गया। इसके बाद 1795 में नया संविधान बनाया गया। इस संविधान के साथ एक बार फिर फ्रांस में गणतांत्रिक शासन स्थापित हुआ और इस गणराज्य के प्रधान बने नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए दोस्तों आज के इस पाठ में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। फ्रांसीसी क्रांति के घटनाक्रम को देखते हुए हमने टेनिस कोर्ट शपथ के बारे में पढ़ा, हमने बैस्टिल कारागार पर जो हमला हुआ था उसके बारे में भी पढ़ा। इस हमले को बैस्टिल का पतन कहा जाता है और हमने जाना कि आतंक का राज्य क्या होता है। दोस्तों आप घर जाकर अपने इतिहास की पुस्तक इतिहास की दुनिया में से पार्ट 3 फ्रांस की क्रांति जरूर पढ़िए। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के क्या परिणाम थे और इस क्रांति का स्वरूप कैसा था। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, ये है इतिहास के पार्ट 3 फ्रांस की क्रांति के तीसरे भाग का डेली टेस्ट। आपका पहला प्रश्न है, स्टेट्स असेंबली की बैठक में तीसरे एस्टेट ने क्या मांग की? करों को खत्म करने की, मताधिकार मांगा, नए राजा की नियुक्ति की, या इनमें से कोई भी नहीं? आपका अगला प्रश्न है, तीसरी एस्टेट के लोग अधिवेशन के लिए कहाँ एकत्रित हुए थे? असेंबली हॉल, बैस्टिल कारागृह, टेनिस कोर्ट या पेरिस? आपका अगला प्रश्न है, फ्रांस का संविधान
जो 26 अगस्त को स्वीकार किया गया था उसका नाम क्या था? इंसानों का संविधान, फ्रांसीसी संविधान, मानव और नागरिकों के अधिकार, या इनमें से कोई भी नहीं? आपका अगला प्रश्न है, जेकोबिन क्लब के उस नेता का नाम बताइए जिसने आतंक का राज्य स्थापित किया था। लुई सोना, मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर, जॉर्ज वॉशिंगटन या नेपोलियन बोनापार्ट? आपका आखिरी प्रश्न है, लुई सोला को किस सन में फांसी दी गई? 1790, 1791, 1792 या 1793? चलिए अब इन प्रश्नों के सही उत्तर देखते हैं। आशा करता हूँ कि आज के एपिसोड में पढ़ाया गया पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने अपने सवालों को नोट भी किया होगा, तो आप अपने उस सवाल को उन्नयन ऐप पर पोस्ट कर सकते हैं और ग्लोबल एक्सपर्ट से अपने जवाब को पा सकते हैं। बच्चों, आप अपने सवाल को हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर भी अपने सवालों का हल जान सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उसे नोट कर लीजिए। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल आईडी दी हुई है, नोट कर लीजिए। यह वीडियो बीईपीसी के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, तो आप वेबसाइट नोट कर लीजिए, www.bepcssa.in। इस वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।